हेलो दोस्तों, मिक्स क्रिएटिव्स में आपका स्वागत है। आज मैं अनोखी पकवान में आपको चटपटा दाल की रेसिपी बताने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए चने की दाल और उड़द की दाल, दोनों आधा आधा मिला के एक कटोरी, कटा हुआ टमाटर, अदरक और लाल मिर्च, हरा मिर्च दोनों ही मैं काट के रखी हूँ, और बहुत सारा लहसुन के कली और प्याज। प्याज को ये प्याज अलग प्याज है दोस्तों, ठंडी के मौसम में जो प्याज के भाजी आता है उसमें से जो छोटी छोटी प्याज निकलती है ये वही प्याज है। इस ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा स्वाद आता है इसको दाल में डालने के लिए। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। पहले हम एक ऐसे बर्तन लेंगे, आप स्टील का बर्तन ले सकते हो, क्योंकि मेरे घर में हमेशा इसी में दाल बनती है पीतल वाली हंडी में, तो मैं आज आपको इसी में बना के दिखाने वाली हूँ। पहले हम दाल को इसमें डाल देंगे। पूरी थोड़ी सी दाल, आप कुकर में दाल अगर उबालना चाहते हो तो उबाल सकते हो, पर मैं इसे ऐसे ही नॉर्मली गैस पे उबालूंगी। पहले दाल को अच्छे से धो लेंगे, अच्छे से हल्की से एक बार धो लेंगे दाल को। हमने दाल को धो लिए, अब दाल में पानी डाल के हम इसे उबालने के लिए गैस पर रख दें। देखिए हमने इसे गैस पर रख दिए हैं, अब हम दाल उबालने का इंतज़ार करेंगे। दाल उबलने के बाद ही हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो आइए हम वेट करते हैं दाल उबालने की। देखिए दोस्तों, हमारा दाल जो है उबल चुकी है, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे और थोड़ी सी पहले इसमें नमक डालेंगे। हम इसमें 1 1/2 स्पून नमक डालेंगे। आप अपना मुताबिक नमक डालिए, हम 1 1/2 डाले हैं, लेकिन आपका घर में अगर नमक तेज़ खाती है तो तेज़ डालिए, अगर कम खाती है तो कम डालिए। अब हम तड़का लगाने के लिए देखिए पैन रख चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो वीडियो में मैंने बटर डाल दिए हैं, बटर पिघल रही है। अब इसमें तड़का डालने के लिए पहले से हमने ये सब काट के रखे थे। अब देखिए राई और काली वाली सरसों और थोड़ी सी जीरे इसमें पहले तड़का लगा डालेंगे, उसके बाद ये सारे डाल के कुछ मसाला डाल के हमने चटपटा दाल आज रात के डिनर में रोटी और चटपटा दाल। देखिए दोस्तों, बटर हमारा जो है पिघल गई है, गरम हो रहा है बटर, तो हम इसमें सरसों और जीरा पहले डाल देंगे। अब इसके बाद लहसुन के कलियां जो मैंने चॉप करके राउंड राउंड काट के रखे थे सारे डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे अदरक, अब कच्चा मिर्च जो काट के रखे थे, प्याज डाल देंगे। अब इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे, अब इस टमाटर को एक टिप की तरह है, इस टमाटर मैंने पहले दाल में 1 1/2 चम्मच जो है नमक डाले थे, अब इस टमाटर को थोड़ा सा नरम होने के लिए हम इसमें 1/2 स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ी सी 1 स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर,
अब थोड़ी सी जीरा पाउडर डाल के अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे मसाले के साथ। पूरी की पूरी ये जो जो चीज़ हमने तड़के में डाली वो सारी चीज़ हम फ्राई करेंगे अच्छे से। देखिए हमारा मसाला जो कस रही है, देखिए टमाटर कितनी जल्दी जो है नरम हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, ये देखिए आप पतंजलि वाला हींग जो है हम थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी डालना है। इसको फिर से एक बार ऐसे में डालेंगे, पूरा मसाला जो हमारा जो छौंक जो तड़का बोलते हैं वो मैंने पूरा फ्राई हो गया है। अब हम इसे दाल में डाल देंगे, गैस को ऑफ करेंगे और यही दाल वाली बर्तन में हम इस मसाला को पूरा डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐसे मिलाएंगे जरा सा, इसको हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों आप चाहे तो इसके ऊपर हरी धनिया डाल सकते हो, आज मेरे घर में हरी धनिया का जो है अवेलेबल नहीं है इसीलिए मैंने हरी धनिया नहीं डाले हैं। अगर आप चाहते हो तो आप हरी धनिया डाल सकते हो। देखिए मेरा चटपटा दाल जो है रेडी है। आपको अगर मेरी ये अनोखी चटपटा दाल अगर आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल के जो आइकन है उसको दबाइए ताकि मैं आइदर जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।